हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं अगले जो समकालीन कलाकार हैं परितोष सेन और रथिन मित्रा को, ठीक है। आज उनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके एक एक दो करके सभी जितने भी समकालीन कलाकार हैं उनको हम लोग ख़त्म कर लें। चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाइए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और हमारे इस जो सेशन का आप ये अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और भी जो हमारे क्लास के जो भी जितने भी वो लिंक हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल पे आएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में वो आपका दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो इनका जन्म और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रमुख भारतीय चित्रकार परितोष सेन का जन्म कब होता दोस्तों? 18 अक्टूबर 1918 को ढाका, यानी ढाका वर्तमान का बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। इनके पिता क्या थे दोस्तों? इनके पिता एक आयुर्वेद डॉक्टर थे, जिन्होंने दो शादियां करी थी, ठीक है दोस्तों, दो शादी इन्होंने करी थी। अनेकों बच्चों के परिवार में सेन उनमें से ही एक थे, ठीक है। उनमें दोस्तों, अब इतने सारे बच्चे थे तो क्या होता था कि घर की जो कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो वो लगभग आपके 17 वर्ष की आयु में ही वो घर से भाग गए थे। और कहाँ आए थे? फिर वो आए थे मद्रास कला विद्यालय, ठीक है। मद्रास कला विद्यालय में आए, वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया, फिर उन्होंने वहाँ से कला अध्ययन किया। कब से कब तक? आपका 1936 से लेकर के 1940 तक इन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह जो है, यह आपके देवी प्रसाद राज चौधरी के निर्देशन में वहाँ पर उन्होंने शिक्षा कला का अध्ययन वहाँ पर उन्होंने किया था, ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह क्या थे? कोलकाता ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे, ठीक है। कोलकाता ग्रुप के अंतर्गत अभी कल हो सकता है हम आपको परसों तक एक सभी जितने भी ग्रुप्स हैं लगभग दो पार्ट में लेकर के आएंगे, दो पार्ट में ख़त्म कर लेंगे, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सेन ने एकोल द ब्योक्स आर्ट्स पेरिस से म्यूरल चित्रण में प्रशिक्षण लिया, ठीक है दोस्तों। कहाँ से लिया था? एकोल द ब्योक्स आर्ट पेरिस से म्यूरल चित्रण में प्रशिक्षण लिया, ठीक है। फिर चित्रकला के इतिहास में कहाँ से लिया इन्होंने? चित्रकला के इतिहास में एकोल द ब्रू पेरिस से इन्होंने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की, ठीक है दोस्तों, ये याद रखे रहिए, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों वो क्या किए? भारत आ गए, ठीक है। भारत में आके बिहार में उन्होंने क्या किया था? अध्यापन कार्य शुरू किया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके पश्चात दोस्तों वो कहाँ पर? जादवपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने वहाँ पर भी अध्यापन कार्य किया, ठीक है। सन 1940 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इंदौर में डेली कॉलेज में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया, ठीक है। कहाँ कहाँ इन्होंने कार्य किया वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो पूछ लेता है। सन 1959 और 1960 में सेन ने जिंदा बहार, ये क्या थी दोस्तों? ए बुक ऑफ द ऑटोबायोग्राफिक स्क्रैचेज प्रकाशित की, इनकी ये बुक है दोस्तों, याद रखे रही, इंपॉर्टेंट है, जिंदा बहार, ठीक है, पुस्तक है इनकी, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों? उन्होंने अपने बारे में जो बचपन में बीती हुई यादें हैं उसको उसमें क्या किया उन्होंने लिखा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए थे, ठीक है। सन 1968 में ललित कला अकादमी, ठीक है दोस्तों, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में फेलोशिप देकर इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1991 में वर्धमान विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल से ने क्या किया था? सेन को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि इनको दिया गया, इनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? कला में विशेषता हासिल करने पर सन 1995 में पश्चिम बंगाल ने राज्य ललित कला पुरस्कार दिया इनको, ठीक है दोस्तों। राज्य ललित कला पुरस्कार किसने दिया दोस्तों? ये दिया था आपके पश्चिम बंगाल सरकार ने, ठीक है। सन 1996 में क्या मिला था इनको? कालिदास पुरस्कार मिला था। और 1997 में दोस्तों अंग्रेजी बोल संघ ने उल्लेखनीय सिटीजन अवार्ड भी इनको दिया, ठीक है। और सन 1998 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। और 1998 में ही हीरा चंद ड्रूगर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है।
और 1999 में इनको क्या मिला था, अबन गगन पुरस्कार, ठीक है, जो कि विश्व भारती विद्यालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो कि शांति निकेतन में है, ठीक है। 2004 में ललित कला रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। ये इनके क्या हो गया, सम्मान और पुरस्कार, ठीक है। अब हम इनके जो चित्र हैं, चित्र के विषय पढ़ लेते हैं। इनके विषय क्या रहे दोस्तों, इनके जो विषय में क्या रहे, बच्चा, मंकी ट्रेनर, महिला, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, युवा लड़की, मयूरी, स्वयं का व्यक्ति चित्र, ये इनके प्रमुख विषय रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर भी दिया है, बातचीत, बालिका, साबुन के बुलबुले उड़ाती, रिक्शे में बैठा पुरुष, सिगरेट पीते हुए लड़की, भुट्टा खाते हुए, बाल बनाते लड़की, महिला पूजा करते जाते हुए, ठीक है, दांते से सब्जी काटते हुए, बालक बांसुरी बजाते हुए, चरखा काटते महिला, ठीक है, और महिला स्नान करती हुई, ठीक है, बालिका टूटी हुई गुड़िया के साथ, ठीक है, पुरुष मुर्गों के साथ, महिला शंख बजाते हुए, ठीक है, महिला तरबूज काटते हुए इत्यादि, ये सब क्या है इनके आपके चित्र के विषय रहे हैं, ठीक है दोस्तों यह इसके साथ ही ये क्या करते थे, इनके द्वारा जो बनाए गए हैं जो चित्र, रेखा चित्र हैं, वो नग्न महिलाओं के ये रेखा चित्र उन्होंने प्रमुखतया से बनाया है, ठीक है, नग्न महिलाओं को याद रखे रही, कौन बनाना है, बनाया है तो बनाया है परितोष सेन जी ने, ठीक है। युवा काल में बनाए गए जो इनके चित्र थे वो कैसे हो गए थे दोस्तों, वो रंग धूसर हो गए थे, ठीक है, तो भूरे रंग की श्रृंखला का समावेशन इनके चित्रों में प्रमुख रूप से रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनके जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखे जा सकते हैं क्या, इनके जो भी चित्र ये बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पे वे संग्रहित है, ठीक है। अब दोस्तों इनके जो प्रमुख चित्र हैं उसको देख लेते हैं, परितोष सेन के द्वारा बनाया गया। तो पहला चित्र क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, काली जैकेट में आत्मा, ठीक है, एक्रिलिक में बना था 2005 में, ठीक है, द बर्ड सेलर, ठीक है, द सारंगी प्लेयर, द बाबू, नारियल बेचने वाले, थ्रू द लेंस मेलो, ठीक है, बड़े गुलाम अली खां, ठीक है, द सिंगर, ठीक है, ये इनके चित्र हैं। और क्या है अगला, म्यूजिक, द दिल रुबा प्लेयर, ठीक है, कपल विथ अम्ब्रेला, ठीक है। अब दोस्तों ये परितोष सेन जी ने क्या चित्र श्रृंखला भी बनाई है वो देख लेते हैं, इनकी चित्र श्रृंखला क्या क्या है, चित्र श्रृंखला क्या क्या है उसमें, शॉपिंग चिकन, रामायण, रामकृष्ण, साधु, थ्रू द लेंस, ठीक है, ये इनके और परितोष सेन के जीवन से संबंधित जो भी अन्य तथ्य हैं वो भी उस पर उन्होंने चित्र श्रृंखला बनाया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनकी मृत्यु सन 2008 को कोलकाता में हो जाता है, कब, 22 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अब इनके जो भी पॉइंट्स मेन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपके चित्रकार हैं, रथिन मित्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जीवन काल 1926 से 2019 तक रहा है, ठीक है दोस्तों, अभी ये लेटेस्ट ही ये एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, वो था 26 जुलाई 1926 में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में, राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर में। देखिए दोस्तों इनके जो राय बहादुर जतेंद्रनाथ मित्रा के सुपुत्र रथिन का जन्म हुआ, मतलब कि इनके जो पिता का नाम क्या था, जतेंद्रनाथ मित्रा, ठीक है, जतेंद्रनाथ मित्रा इनके पिता का नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ हावड़ा पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1926 में 26 जुलाई को हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, यह सेंट जॉन स्कूल कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से क्या किए थे, 10वीं या मैट्रिक इन्होंने पास किया था, ठीक है। सन 1945 से 48 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने क्या किया था, स्नातक किया था, ठीक है दोस्तों, कहाँ से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि रथिन ने सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल किया था, तब पढ़ाई के दौरान उन्होंने वजीफा भी उनको मिला करता था, ठीक है, वजीफा उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। सन 1949 में कलकत्ता ग्रुप के सबसे कनिष्ठ सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है दोस्तों, सबसे कनिष्ठ सदस्य 1949 को निर्वाचित हुए, ठीक है। इसके पश्चात 1949-1950 तक डेली कॉलेज, जो कि इंदौर में है दोस्तों, वहाँ उन्होंने क्या किया, कार्य किया। फिर 1950 से लेकर 54 तक लॉरेंस स्कूल, जो कि कहाँ है, सांवर में, कला विभाग के विभाग का अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सांवर स्कूल छोड़ने के पश्चात सन 1954 से 1955 तक इन्होंने क्या किया था, सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में कला विभाग में विभागाध्यक्ष रहे। देखिए दो जगह दोस्तों ये क्या थे, विभागाध्यक्ष रह चुके थे, एक कब से कब तक, एक 1950 से 1954 तक लॉरेंस स्कूल सांवर में कला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, और दूसरा कहाँ रहे, उसके बाद सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग में विभागाध्यक्ष रहे, ठीक है, अपनी सेवाएँ दी वहाँ पर। सन 1955 से 1981 तक रथिन
दून स्कूल देहरादून में कला शिक्षक रहे। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक, 1955 से 81 तक कहाँ के, दून स्कूल देहरादून में शिक्षक रहे। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने क्या किया था, कुछ पुस्तक का भी इन्होंने पुस्तक भी लिखा था, मतलब कि ये लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, लेखनकार भी ये करते थे। ठीक है, रथीन द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई जिनमें से गांधी एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन, याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन, टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल, कोलकाता, देन एंड नाउ। ठीक है, ये इनकी प्रमुख तीन पुस्तकें हैं। ठीक है, याद रखे रहिएगा क्या क्या है, गांधी जी एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन, ठीक है, और टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल, कोलकाता, देन एंड नाउ। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं ये कौन कौन से सम्मान इनको मिल चुका है। ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में 8वें त्रिनाले में भारतीय अनुभाग में जूरी का निर्वहन किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट द्वारा एडन गार्डन कोलकाता की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, कहाँ, एडन गार्डन कोलकाता में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, रथीन ने बर्लिंगटन हाउस लंदन में आधुनिक भारतीय कला का क्या किया था, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, कहाँ प्रतिनिधित्व किया था, प्रश्न बना दोस्तों, तो ये बर्लिंगटन हाउस लंदन में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं। अब दोस्तों ये म्यूरल भी क्या किए थे, बनाए थे, इनके जो एक प्रमुख म्यूरल है उसके बारे में देख लेते हैं। सन 1971 में किसके लिए बनाए थे दोस्तों, एयर इंडिया के लिए बनाए थे, एक बृहद म्यूरल बनाए थे जिसका नाम है द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसकी जो ऊंचाई कितनी थी दोस्तों, 312 फीट थी। ठीक है, यह इमारत क्या थी दोस्तों, यह इमारत निर्मल पॉइंट जो कि मुंबई में स्थित है वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर है। अब देखिए 1973 में क्या किए थे, 22 फीट लंबा म्यूरल मुंबई के ITDC होटल में इन्होंने बनाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिएगा दोस्तों, यह क्या मेनता, ये मेनली क्या करते थे, तो ये रेखांकन मतलब स्केच वगैरह ये बनाते थे। ठीक है, देखिए इनके स्केच कौन कौन से हैं उसको भी देख लेंगे अभी। रथीन मित्रा, राधा रमन मित्रा की जगत प्रसिद्ध पुस्तक एक थी, राधा रमन मित्रा की कौन सी पुस्तक, कोलकाता दर्पण। ठीक है, जो कोलकाता के इतिहास पर आधारित थी, से प्रेरित है, किससे प्रेरित थे, अगर ऐसा प्रश्न बना दे दोस्तों, रथीन मित्रा किसके पुस्तक से या किस पुस्तक से प्रेरित थे, तो वो कोलकाता दर्पण पुस्तक का नाम था, और वो कौन थे, उनका जो पुस्तक लिखे थे वो राधा रमन मित्रा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा, इन्होंने चित्रण छोड़कर रेखांकन पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, और क्या कहता, कोलकाता की विरासत इमारतों के रेखांकन। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा, तो ये क्या कहते हैं, व्यापक रूप से बंगाल की यात्रा और पुरानी इमारतों, स्मारकों, मंदिर और प्रमुख स्थलों के रेखांकन ये बनाए। ठीक है, किसका, पुरानी इमारत, स्मारक, मंदिर और प्रमुख इनका ये बनाया करते। ठीक है, एक संस्मारक रेखांकन ये इनका क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यह रेखांकन दोस्तों, यह इन्होंने क्या किया था, लगभग 1000 विरासत इमारतों के उल्लेखनीय रेखांकन इन्होंने बनाया था। ठीक है, और क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी एक लंबी बीमारी के बाद, इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 2019 में 93 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इनके इनसे रिलेटेड जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं, रथीन मित्रा का जन्म कहाँ हुआ था, तो रथीन मित्रा का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था हावड़ा पश्चिम बंगाल। ठीक है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न क्या कह रहा, रथीन मित्रा के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था जतिंद्र मित्रा। ठीक है, जतिंद्र मित्रा। ठीक है, रथीन के ने स्नातक की शिक्षा कहाँ से ली, तो इन्होंने कहाँ से ली थी दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने लिया था स्नातक की शिक्षा। ठीक है, सन 1954 से 1955 तक रथीन किस स्कूल के कला विभाग के विभागाध्यक्ष थे, तो थे दोस्तों सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग। ठीक है, इसके विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है, रथीन मित्रा के पुस्तकों के नाम क्या हैं, तो उनके पुस्तकों के नाम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है पुस्तक उनके, गांधी जी एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन, एक है टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल, और तीसरा है कोलकाता देन एंड नाउ। ठीक है, इनके तीन प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, रथीन मित्रा ने किसके लिए सबसे बृहद म्यूरल बनाए थे, तो ये बनाए थे एयर इंडिया के लिए। कब बनाए थे, 1971 में
द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है 312 फीट, ठीक है 312 फीट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रथनी मित्रा ने किसका रेखांकन किया दोस्तों? उन्होंने पुरानी इमारतों, स्मारकों, मंदिरों और प्रमुख स्थलों का क्या क्या रेखांकन या स्केच उन्होंने बनाया, ठीक है। रथनी मित्रा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2019 को, 93 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। परितोष सेन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जो जन्म हुआ था ढाका बांग्लादेश, 18 अक्टूबर 1918 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। परितोष सेन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने की थी मद्रास कला विद्यालय से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। परितोष सेन ने म्यूरल चित्रण में प्रशिक्षण कहाँ से लिया? तो इन्होंने लिया था एकोल द ब्योक्स आर्ट पेरिस से, इन्होंने क्या किया था म्यूरल का चित्रण की शिक्षा इन्होंने वहाँ से लिया था, ठीक है। जिंदा बहार पुस्तक किसकी है दोस्तों? जिंदा बहार पुस्तक है परितोष सेन जी की, ठीक है, परितोष सेन जी की। परितोष सेन को ललित कला रत्न कब मिला? तो ये 2004 को इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको दिया गया था, ठीक है, क्या ललित कला रत्न। स्वयं का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया है दोस्तों? तो ये किया है परितोष सेन ने, ठीक है, स्वयं का व्यक्ति चित्र। युवा लड़की मंकी ट्रेनर महिला न्यूज़पेपर पढ़ते हुए किसका चित्र है? तो ये है परितोष सेन का, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले जो भी आर्टिस्ट हैं उनको उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चलते हैं।